की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, 45% ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल आर गर्ल्स, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो इन द स्कूल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल। ठीक है जी, हम लेट कर लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास 100 हैं। ठीक है, तो अब हमें गर्ल्स की दी हुई है तदा, तो 45% स्टूडेंट्स इन स्कूल आर गर्ल, तो नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमारे पास हैं 45%। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है व्हाट इज़ दी परसेंटेज ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ की परसेंटेज फाइंड करने के लिए, परसेंटेज ऑफ बॉयज़ कितनी होगी जी, हम टोटल स्टूडेंट में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे वो नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, 100 से 45 माइनस कर दिए तो पीछे हमारे पास बच के 55, तो साथ हमने परसेंटेज का साइन लगा देने हैं, इसका मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे पास बॉय हैं स्कूल में वो कितने हैं 55%। क्वेश्चन नंबर 2 है, 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन, व परसेंटेज ऑफ द हाउसेज डोंट हैव टेलीविजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ मेंशन करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेज कितनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हाउसेज, नंबर ऑफ हाउसेज जो हैं वो हमारे पास हैं 100%। ठीक है, अब 82% ऑफ द हाउसेज हैव अ टेलीविजन, तो लिखेंगे हाउसेज हैव टेलीविजन जी, कितने हाउसेज में टेलीविजन है 82%। तो फाइंड हमने करना है कि हाउसेज डोंट हैव टेलीविजन, हाउसेज डू नॉट हैव टेलीविजन, तो उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है कि 100 में से 82 को माइनस कर देंगे तो पीछे हमारे पास बच गए 18, तो 18% जो ऐसे हाउसेज हैं जहाँ जिसमें टेलीविजन नहीं है, इसको ऐसे फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉकी टीम 162% ऑफ देयर मैचेस एंड 26% ऑफ देम वर एंडेड इन अ ड्रॉ, व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस डिड दे लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि टोटल मैचेस हुए कितने हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस, तो हम फर्ज कर लेते हैं जो मैच हुए हैं वो हुए हैं 100%। ठीक है, तो अब इसमें से हॉकी टीम ने जीते कितने हैं, हॉकी टीम वो मेंशन कर लेंगे, हॉकी टीम 1 कितने जीती है अभी, हॉकी टीम 62% जो है वो जीती है, और ड्रॉ कितने हुए हैं जी, 26% ऑफ देम वर एंडेड इन ड्रॉ, तो ड्रॉ मैचेस ड्रॉ कितने हुए हैं जी 26%। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है व्हाट परसेंटेज ऑफ मैचेस डिड दे लॉस, तो लॉस कितने हुए हैं मैचेस। ठीक है, तो हम 100 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, 100 टोटल मैचेस थे उनमें से हमने जो जीते हैं वो भी माइनस कर दिए, जो ड्रा हुए हैं वो भी माइनस कर दिए, जब दोनों को हमने 100 में से माइनस कर देना है तो हमारे पास जो आंसर है वो बचेगा पीछे 12, तो 12% जो है वो ऐसे मैचेस हैं जो वो टीम जो है वो हारी है। क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन कैरीज 400 पैसेंजर्स। ठीक है, टोटल पैसेंजर्स हमारे पास कितने हैं, साथ साथ ही हम इसको मेंशन करते जाते हैं कि टोटल पैसेंजर्स हैं हमारे पास, पैसेंजर्स पता है ना आपको, मुसाफिरों को कहते हैं, टोटल पैसेंजर्स हैं हमारे पास 400,
तो इसमें से देखें 52% ऑफ पैसेंजर्स वर पाकिस्तानी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पाकिस्तानी जो पैसेंजर्स हैं उनको मेंशन कर लेते हैं कि पाकिस्तानी 400 में से कितने हैं, ठीक है। पाकिस्तानी पैसेंजर्स कितने हैं जी, 52%। तो इसका मतलब 52% जो है वो हम निकाल लेंगे 400 के। तो 52% को कैसे फाइंड करते हैं, 52 / 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो जब आपने 52 को 400 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है आपने 100 के साथ, ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 208 पैसेंजर्स, ठीक है। तो ये 208 पैसेंजर्स जो हैं ये 400 में से वो हैं जो पाकिस्तानी हैं। आगे जी 17% ऑफ देम वर चाइनीज़। तो चाइनीज़ की अब हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं कि चाइनीज़ कितने हैं, 17%। इसका मतलब 17% ऑफ 400। तो 17 / 100 मल्टीप्लाई बाय 400। तो जब आपने 17 को 400 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 100 करना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 68%, ठीक है। 68 जो है वो पैसेंजर्स वो हैं जो चाइनीज़ बैठे हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। आगे जी देखें अगला पार्ट है क्वेश्चन का, 12% वर फ्रॉम ईरान। तो ईरान वाले कितने बैठे हुए हैं जी, 12% है। तो इसका मतलब 12% ऑफ 400 हमने फाइंड कर लेना है। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई 400। तो जब इसको इससे करेंगे तो 12 × 4 = 48। तो 48 पैसेंजर्स जो हैं वो होंगे वो ईरान के बैठे होंगे, एंड रेस्ट वर ब्रिटिश। तो रिमेनिंग जो हैं वो ब्रिटिश के हैं। तो ब्रिटिश के फाइंड करने के लिए हमने ये टोटल 400 में से, टोटल 400 थे ना हमारे पास, उसमें से देखें पाकिस्तानी कितने थे, 208 को माइनस कर दिया। आगे चाइनीज़ कितने थे, 68 को माइनस कर दिया। और आगे हमारे पास ईरान वाले कितने आए हैं, 48। तो इन तीनों को हमने 400 में से माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो पीछे बच गए हैं वो हैं 76। तो 76 जो हैं वो पैसेंजर्स बचे हैं वो हैं ब्रिटिश, ब्रिटिश वालों के पैसेंजर वो बच गए। अब इसका पार्ट नंबर बी है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश। तो परसेंटेज ऑफ ब्रिटिश, तो ब्रिटिश वाले जो आए हैं उनकी हमने परसेंटेज, पहले तो हमने उनके पैसेंजर बताए हैं ना, उसकी परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि ब्रिटिश के देखें कितने आए हैं, 76 आए हैं ना, तो 76 को हम ऊपर रखेंगे। और टोटल जो हमारे पास पैसेंजर्स थे वो थे 400, ठीक है। 400 को हम नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज बनानी है। तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आपने 76 को 100 से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको 400 पे डिवाइड कर देना है, तो इसका आंसर कैलकुलेटर के जरिए आपको मिल जाएगा 19%। 19% जो है वो जहाज़ के ऊपर ब्रिटिश के लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमना स्कोर 46 out of 50 इन अ मैथ टेस्ट, 64 out of 75 इन अ केमिस्ट्री टेस्ट, एंड 72 out of 80 इन अ फिजिक्स टेस्ट। इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, ठीक है। तीन सब्जेक्ट में आमना ने टेस्ट दिया, तो हमने बताना है कि उसने सबसे अच्छी कारकर्दगी वो किस में दिखाई है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ स्कोर्स इन मैथ। सबसे पहले उसकी मैथ की है ना, तो सबसे पहले उसको मैथ में देखते हैं उसने कितनी परसेंटेज की है, परसेंटेज इन मैथ टेस्ट जी। मैथ टेस्ट में उसकी सबसे पहले देखें उसने 46 लिए हैं 50 में से, इसका मतलब 46 ऊपर आएगा और 50 नीचे आएगा, ठीक है। तो 46 डिवाइडेड बाय 50 और साथ में उसे परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब 46 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 50 करेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 92%। यानी कि 92% उसने मैथ टेस्ट में लिए हैं। अब सेकंड टेस्ट उसका हुआ है
केमिस्ट्री का, ठीक है, परसेंटेज इन केमिस्ट्री टेस्ट, ठीक है जी, केमिस्ट्री में उसने 64 लिए आउट ऑफ 75, तो 64 ऊपर 75 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब 64 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड 75 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 85.3%, ठीक है। अब तीसरा टेस्ट है उसका फिजिक्स का, तो उसकी पहले हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं, परसेंटेज इन फिजिक्स टेस्ट जी, फिजिक्स में उसने कितने मार्क्स लिए हैं जी, 72 लिए हैं 80 में से, तो 72 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 72 को 100 से मल्टीप्लाई करके 80 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज़ 90%। अब देखें ये तीन टेस्ट हुए हैं उसके, तो हमें वैसे भी नज़र आ रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है उसने मैथ टेस्ट में लिया है 92%, तो आंसर में बताना है इन विच सब्जेक्ट डिड शी परफॉर्म बेस्ट, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स उसके मैथ में आए हैं, तो यहाँ मेंशन कर देंगे कि इन मैथ सब्जेक्ट शी परफॉर्म्ड बेस्ट, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने मैथ टेस्ट में लिए हैं 92%। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ कारपेंटर कॉस्ट ₹720 टू मेक आ टेबल, ही सेल्स इट फॉर ₹920, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। कारपेंटर ने ₹720 लगे हैं उसको एक टेबल बनाने में, उसने 920 का बेचा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बतानी है, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसकी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे कि कितना खर्चा उसका हुआ है टेबल बनाने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस नोट करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस ये ऊपर लिखी हुई है 720, ₹720 लगे हैं उसके, और सेल प्राइस जो है उसकी कितने में उसने सेल किया है, सेल प्राइस उसकी है 920, तो इसका हम सबसे पहले प्रॉफिट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला आपको पता है कि सेल प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है, तो सेल प्राइस 920 है, तो कॉस्ट प्राइस 720 थी, तो इन दोनों को हमने माइनस किया तो आंसर हमारे पास आ गया 200 जो है ना उसको प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमने फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो परसेंटेज ऑफ जो प्रॉफिट है उसका फार्मूला हम लिखते हैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, तो उसका फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट हमारा आया 200, उसको ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस हमारी थी 720, उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो जब आपने 200 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 20,000 हो जाएगा, और इसको जब आपने 720 पे डिवाइड कर देना, कैलकुलेटर की हेल्प की मदद से आपने इसको डिवाइड कर देना है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 27.78%, तो ये इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो हमने फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 84% ऑफ द बुक कंसिस्ट ऑफ 420 पेजेस, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन द बुक, 84% बुक पढ़ी है तो उसके पेजेस बने हैं 420, तो टोटल पेजेस बताने हैं कितने हैं बुक के, ठीक है। तो सबसे पहले हम इधर से इंफॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं कि 84% ऑफ द बुक कंटेनिंग पेजेस, 84% बुक पढ़ी है तो उसके कितने पेजेस बने हैं जी, 420, ठीक है। तो अगर हम 1% इसको पढ़ते हैं
1% of the book containing pages. ठीक है, तो ये 420 और ये डिवाइड हो जाए 84% इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, 84%. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करने हैं. टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बने हैं, तो ये 420 डिवाइडेड बाय 84% था, तो 84 और ये परसेंटेज का जो 100 है वो इस तरह ऊपर लग जाएगा इसके साथ. तो 420 को जब आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 420 का आगे दो ज़ीरो लग जाएंगे डिवाइडेड बाय 84. तो जब आपने इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करना है कैलकुलेटर की हेल्प की मदद से तो आंसर आ जाएगा आपका 500 पेजेस. ठीक है, 42,000 को 84 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आ जाएगा 500 पेजेस. तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस बुक के कितने हैं, 500. सर जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम हमजा स्पेंड 20% ऑन हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स. इफ़ ही सेव्स रुपीज 1800 व्हाट इज हिज टोटल इनकम. तो टोटल इनकम हमने फाइंड करनी है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल इनकम जो है वो हमारे पास एक्स है. ठीक है, अब टोटल इनकम में से उसने 20% जो है वो खर्च कर दिया है हाउस रेंट पे. ठीक है, तो लिखेंगे हाउस रेंट पे उसने कितना खर्च किया है, 20% ऑफ एक्स. ठीक है, तो अब हमारे पास कितने बच गए हैं वापस जो है ना उसके, तो वो उसको कैसे लिखते हैं जो वापस बच गए हैं, रेस्ट इनकम कितनी बच गई है अब उसके पास. ये देखें 20% उसने खर्च की है ना, पीछे उसके पास रह गई है 80% ऑफ एक्स. तो 80% को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 80/100 मल्टीप्लाई बाय एक्स. ठीक है, तो इसको जब हमने कटिंग करके 20 के टेबल से कटिंग करते हैं 24,000 और 25,000, तो 4/5 एक्स ये उसकी रेस्ट इनकम है. अब ये जो रेस्ट इनकम है उसमें से उसने 70% जो है वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर खर्च किए हैं. तो यहाँ लिखेंगे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर यानी कि घर के अखराजात, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स जी कितने उसने जो रेस्ट इनकम है उसके 70% उसने यूज़ किया, यानी कि 70% ऑफ ये रेस्ट ये वाली थी ना हमारी 4/5 एक्स. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे 70% को तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 70/100 मल्टीप्लाई बाय 4/5 और साथ में ये एक्स. ठीक है, अब ये उसके एक्सपेंडिचर है, अब ये 70% उसने खर्च किए हैं, तो अब इसमें से हम सेविंग उसकी फाइंड कर लेते हैं, उसने सेविंग कितनी की है इनमें से. ये देखें 70% तो उसके अखराज थे, तो इसका मतलब उसकी सेविंग कितनी होगी, 30% 30% ऑफ 4/5 एक्स. तो 30% को सॉल्व करते हैं, 30/100 मल्टीप्लाई बाई 4/5 और साथ एक्स आ जाएगी. तो इसकी जब कटिंग करेंगे ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/10 मल्टीप्लाई बाई 4/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स. ठीक है, अब आगे कंडीशन लगी हुई है कि इफ़ ही सेव्स रुपीस 1800 व्हाट इज़ हिज टोटल इनकम. अब ये हमारी सेविंग निकली है, तो सेविंग जो है वो किसकी इक्वल, वो कह रहे हैं कि 1800 क्या ये वाली हमारी सेविंग है. तो 3/10 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई एक्स, तो ये किसकी इक्वल आ रही है, 1800 के. वो कह रहे हैं इसके 1800 क्या, तो उसकी टोटल इनकम फाइंड करें. तो ये देखें अब इसको सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को, 1800 तो इधर ही रहेगा. ये देखें ये 3/3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 डिवाइड हो रहा है, 10 डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर
मल्टीप्लाई होगा, फाइव भी डिवाइड हो रहा है दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई होगा, और ये थ्री और फोर मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स के साथ दूसरी साइड पे जाकर ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, दूसरी साइड पर जाके ये दोनों डिवाइड हो गए। तो अब इसको हमने आगे सॉल्व कर लेना कैलकुलेटर की हेल्प की मदद से, 1800 को 10 से मल्टीप्लाई, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3/4 12 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल इनकम आ जाएगी 7500, यानी कि 7500 जो है ना वो उसकी टोटल इनकम है हमजा की। क्वेश्चन नंबर 9 है, राहील्स इनकम इज़ 25% मोर देन डैट ऑफ रऊफ, व्हाट परसेंटेज इज रऊफ इनकम लेस देन रहील, ठीक है, वो कहना रहील की इनकम जो है वो रऊफ की इनकम से 25% ज़्यादा है, तो कितनी परसेंटेज रऊफ की इनकम जो है ना वो रहील की इनकम से कम है। तो यहाँ हम सपोज कर लेते हैं, लेट रऊफ इनकम, पहले हम रऊफ की इनकम को ना सपोज कर लेते हैं कि वो ना हमारे पास कितनी है 100, उसकी इनकम 100 है। अब देखिए रहील्स इनकम, रहील इनकम देखिए अगर रऊफ की 100 है तो रहील की उससे 25% ज़्यादा, इसका मतलब 100 में हमने 25 को ऐड कर देना तो उसकी कितनी बन गई 125, ठीक है, अगर उसकी 100 है तो उसकी कितनी है 125, उसके साथ रुपीस भी हम लिख लेते हैं, अगर उसकी 100 रुपये इनकम है तो उसकी कितनी है 125, क्योंकि उसकी 25% ज़्यादा, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, डिफरेंस कितना, यानी कि इन दोनों में कितना फ़र्क आ रहा है, ये देखें 125 में से हमने 100 माइनस कर दिया तो कितना फ़र्क आ गया है 25 का। अब हमने बताना है कि परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज इज रऊफ इनकम, जी परसेंटेज ऑफ रऊफ इनकम, ठीक है, ये अब हमने फाइंड करनी है। अब देखें इनका डिफरेंस कितना निकला है 25 का, और जो टोटल थी रहील की इनकम कितनी थी 125, मल्टीप्लाई कर देना हमने इसको 100 से, तो जब 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 डिवाइड कर देना है 125 से, तो जब आपने इसको डिवाइड कर देना तो आपका आंसर कैलकुलेटर के पे आ जाएगा 20%, इसका मतलब उसकी जो इनकम है रऊफ की इनकम से 20% कम है, ठीक है।